वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द ब्रेनी ऑल चैनल। आज हम टाइम एंड वर्क के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे, तो ये स्लाइटली डिफिकल्ट लेवल के होंगे, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, बी एंड सी इन 20 डेज, सी एंड ए इन 15 डेज। ए बी सी टुगेदर कितने डेज में करेंगे कंप्लीट उसी वर्क को, वो हमें निकालना है। तो ये एक बड़ा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है और इसका टेक्निक आपको अच्छे से आनी चाहिए, तब आपको ये इजी लगेगा, अदरवाइज ये डिफिकल्ट लगेगा। तो ये क्वेश्चन एंड टाइप के हैं, यानी कि जिसमें ये एंड में जो हमें डेटा दिया होता है, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है कि इक्वेशन बनानी होती है हमने। और एक रूल तो इस पूरे चैप्टर में है ही है, वो है कि कभी भी इक्वेशन डेज में नहीं निकाली जाती है, बनाई जाती है, क्योंकि डेज की कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये डेज को हम ऐड नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, विच मीन्स कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर ए 5 डेज में करता है काम और बी अगर 6 डेज में करता है, तो ये मिलके 5 + 6 11 डेज में वर्क नहीं करेंगे। तो ये एक बेसिक रूल है, पर हम ऐड किस चीज़ को कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं वर्क को, कि ये एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, या फिर अगर काम हमारे पास किसी और यूनिट में, फॉर एग्जाम्पल ये ए और बी स्टूडेंट्स हैं, ये 5 पेजेस लिख सकता है, ये 6 पेजेस, तो टोटल मिला के ये 11 पेजेस लिख सकते हैं। तो वर्क को ऐड किया जा सकता है, डेज को नहीं किया जा सकता है ऐड, इसलिए इक्वेशन हमेशा वर्क की बनते हैं। और वर्क की इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको हम सिंपली एलसीएम मेथड भी बोल देते हैं। तो ये जो डेज गिवन है, जो डेटा गिवन है, 12 डेज, 20 डेज और 15 डेज, ये डेज की जगह वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे, 12, 20 और 15 का एलसीएम। और ये आपको सोच के निकालना है, जैसे आप इसमें से बड़ी वैल्यू ले लो, सबसे बड़ी वैल्यू इजी रहती है, 20 के टेबल में देखो 15 और 12 से क्या डिवाइड हो रहा है, 20 नहीं होता है दोनों से डिवाइड, 40, 22 से 40 नहीं होता है, 23 से 60 होता है इन दोनों से डिवाइड, यानी कि एलसीएम है इनका 60। जो एलसीएम होएगा, मैं अब यहां पे लिख रहा हूं उसको, जो भी एलसीएम आएगा वो आपने टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क ले लेना है। ये हमने अज्यूम करना है कि टोटल वर्क 60 यूनिट्स का है। इसको और इजीली समझना है तो आप इसको किसी भी और एग्जांपल से बना सकते हो, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकली इसको रिलेट कर सको। तो हम अज्यूम कर सकते हैं इसको प्रैक्टिकली रिलेट करने के लिए कि ये 60 यूनिट्स ऑफ वर्क की जगह, लेट अस सपोज ये स्टूडेंट्स हैं ए बी सी, और ये 60 पेजेस इनको लिखने होते हैं टोटल। ए और बी 12 डेज में मिलके, यानी कि ए और बी मिलके 12 डेज में 60 पेजेस लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये एक दिन में कितना कर पाएंगे काम वो देख लेते हैं हम, 60 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि एक दिन में ये 5 यूनिट्स का काम कर सकते हैं, या 5 पेजेस भी आप बोल सकते हैं इसको। वैसे ही बी और सी, यही वर्क 60 पेजेस लिखने का या 60 यूनिट्स का वर्क है, वो 20 डेज में कर सकते हैं, तो 60 by 20 एक दिन में इतना कर पाएंगे वो दोनों मिलके। सिमिलरली सी और ए 15 डेज में कर सकते हैं यही काम, यानी कि वो 60 by 15 वो आ जाएगा, 4 यूनिट्स का काम वो कर सकते हैं एक दिन में। ये आ गए हमारे पास 3 इक्वेशंस। अब ये सिंपली लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया कि अब हमें इसमें जो फाइंड करना है हम उस पर फोकस करेंगे, ए बी सी टुगेदर चाहिए हमें, तो यानी कि ए बी सी को हमें इकट्ठा करना है, ए प्लस बी प्लस सी लेके आना है। वो लाने के लिए हम इन तीनों को इक्वेशंस को अगर ऐड करेंगे तो आ तो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, पर वो हर चीज दो बार आएगी, ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, तो हमारे पास ये आ जाएगा ब्रैकेट में। और इनको प्लस कर रहे हैं हम, इक्वेशंस को प्लस कर रहे हैं, तो ये 5 + 3 = 8 और 4 = 12 यूनिट्स आ जाएंगे, जिसको अगर हम 2 को अगर यहाँ कट करते तो 6 यूनिट्स आ रहे हैं। यानी कि ए बी सी जब मिलकर करते हैं तो एक दिन में 6 यूनिट्स कर सकते हैं, तो कितने डेज लगेंगे उनको 60 पेजेस के लिए, सिंपल मैथ्स है ये, 60 पेजेस लिखने हैं, एक दिन में 6 लिख सकते हैं, तो टोटल 10 डेज लग रहे हैं, ये हमारा आंसर है। तीनों मिलके 10 डेज में वही काम कर सकते हैं 60 यूनिट्स का। तो इसको हम एलसीएम मेथड बोलते हैं, जिसमें हम एलसीएम लेंगे गिवन डेज का, वो टोटल वर्क अज्यूम कर लिया जाएगा और देख लेंगे कि जो भी गिवन डेटा है वो पर डे कितना वर्क हो रहा है, और उनको सॉल्व करके जो भी यूनिट्स में आएगा उसको दोबारा से हम डेज में कन्वर्ट कर देंगे उस टोटल वर्क को डिवाइड करके उससे। तो ये हमारा मेथड है, 10 डेज हमारा आंसर है, थर्ड ऑप्शन। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, बी एंड सी इन 40 डेज, सी एंड ए इन 30 डेज।
ए बी एंड सी अलोन कैन कंप्लीट इन। अब हमें बस क्वेश्चन में डिफरेंस, एक तो वैल्यूज में तो डिफरेंस आई है, यहां से डिफरेंस आ रहा है कि हमें फाइंड क्या करना है, उसमें ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना था, इसमें ए अलग अलग बी अलग और सी अलग फाइंड करना है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं पहले हम इसका, 24, 40 और 30 का हमें एलसीएम चाहिए, बड़ी वैल्यू से शुरू करना चाहिए। 40 के टेबल में 30 और 24 से डिवाइड होने वाली वैल्यू, 40 नहीं होता है इनसे डिवाइड, 80 भी नहीं होता है, 120 इससे भी होता है, 24 5000 भी होता है, तो 120 इज द एलसीएम। तो लेट अस सपोज टोटल 120 यूनिट्स का वर्क है, ए और बी करते हैं वर्क 24 डेज में, मतलब 120 बाय 24 इनका वन डेज वर्क आएगा, 120 यूनिट्स 24 डेज में करते हैं ये दोनों मिलके, तो यानी कि एक दिन में ये 5 यूनिट्स कर सकते हैं। सिमिलरली बी प्लस सी आ जाएगा 120 बाय 40, और सी प्लस ए आ जाएगा 120 बाय 30, ये आ गया। अब ये इसके बाद हमने पिछले क्वेश्चन में ऐड कर दिया था क्योंकि हमें ए प्लस बी प्लस सी चाहिए था, यहाँ पे आप वो करके भी इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अलग अलग मेथड्स हैं, बस हमें हम इंटरेस्टेड हैं ए में। तो इसमें एक तरीका, अगर ए अकेला लेके आना है हमने, तो हम एक तरीका ये भी यूज कर सकते हैं कि हम ए वाली इक्वेशंस को प्लस कर दें और उसमें से इसको जो एक बची हुई इक्वेशन उसको माइनस कर दो, यानी कि एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस, इन दोनों को प्लस कर दो और इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए जो है उसमें 2a आ जाएगा और बी प्लस सी भी आ जाएगा हमारे पास। मैं अगर इसको लिख के करूं, एग्जाम में इतना डिटेल में लिख के नहीं करना आपने, 2a प्लस बी प्लस सी आ गया फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड करके, उसमें से जब आप इस सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस बी माइनस सी आ जाएगा, तो बी और सी कट हो जाएगा, यानी कि 2a अकेला बच जाएगा। तो हमने क्या किया है, हमने फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया है, तो 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 3 6 आ गया। पर हम तो ए की वैल्यू में इंटरेस्टेड है, ये 2a की वैल्यू आई है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए की वैल्यू आ जाएगी 3। ये यूनिट्स हैं, यानी कि ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट्स वर्क करता है, टोटल 120 यूनिट्स करने को उसको कितने दिन लगेंगे, 120 बाय 3 यानी कि 40 डेज, ये एक एक आंसर है। सिमिलरली बी का निकालना होगा हमें और सी का भी निकालना होगा, तो हमारे पास 40 आंसर आ गया। अब ऑप्शंस तो देख के तो नहीं कर पाएंगे हम, 40 है 40 है, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, एटलीस्ट सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं है, इतना तो हमें पक्का पता चल गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इन दोनों को बी निकालने के लिए बी वाली इक्वेशंस को ऐड कर दो और तीसरी वाली को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बी और बी 2b हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट जो हो गया वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, हमें पता है कि जो बाकी की चीज़ें कट हो जाती हैं, फर्स्ट टू को ऐड कर रहे हैं थर्ड को सब्ट्रैक्ट, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 4 इज 4, बी की वैल्यू आ रही है 2, तो लास्ट में हम ये जो डिवाइड करते हैं ये अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं, 60 डेज इसका आंसर है। तो अब हमारे पास शॉर्टलिस्ट हो रहा है, ये ऑप्शन भी हो सकते हैं, नन ऑफ दीज भी हो सकते हैं, तो चांस हम नहीं लेंगे। सी वाली इक्वेशंस को ऐड कर दो, 2c आ जाएगा, और इसको फर्स्ट को माइनस करके ए बी माइनस हो जाएगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं, तो हमने इन दोनों को ऐड किया है और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया उसमें से, 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 5 2, ये सी की वैल्यू में हम इंटरेस्टेड हैं, तो वो ये 2 इसके नीचे आके 1 आ जाएगा, तो 120 बाय 1 इज 120 डेज, तो यानी कि 40 60 120 वाला आंसर हमारा सही आंसर है। तो ये आ गया उसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो हमने किया है, तो फर्स्ट ये जो हमने क्वेश्चंस दोनों किए हैं ये सिमिलर हैं, बस लास्ट में इक्वेशंस को सॉल्व करने में एक डिफरेंस आ रहा है बस। तो ये एलसीएम मेथड जो है आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब वो देखते हैं किस टाइप का है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 18 डेज रिस्पेक्टिवली, ये सेपरेटली दिया है, ए के लिए वैल्यू दी हुई है और ये बी के लिए वैल्यू दी हुई है। ए बिगिंस टू डू द वर्क, यानी कि ए ने अकेले काम शुरू किया, एंड दे वर्क ऑल्टरनेटली वन एट अ टाइम फॉर वन डे ईच, तो ये बारी बारी काम कर रहे हैं, ए शुरू कर रहा है, फर्स्ट डे ए करेगा, सेकेंड डे बी, थर्ड डे ए, फोर्थ डे बी एंड सो ऑन, द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, तो वर्क कितने दिनों में कंप्लीट होगा वो हमने निकालना है। ये ऑल्टरनेट वाला क्वेश्चन भाई ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, ये कई एग्जाम्स में आता है और इसको हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मानते हैं, तो हमें तो अब शॉर्टकट करना है, तो शॉर्टकट इसमें क्या है कि आप सिंपली एलसीएम मेथड यूज करो, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। 12 और 18 का एलसीएम, आपने बड़ी वैल्यू का टेबल दिमाग में सोचना है और देखना है कि 12 से कौन सी वैल्यू डिवाइड हो जाती है, 18 12 से डिवाइड नहीं होता है, 18 टू 36, 36 होता है, तो एलसीएम इज
36. तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए अकेला एक दिन में काम करता है, ये टोटल वर्क है 36 यूनिट्स का वर्क है, ए जो है वो 12 डेज में 36 यूनिट्स कर सकता है, इसका मतलब 36 अपॉन 12, 3 यूनिट्स एक दिन में करता है ये पर डे। इसी तरीके से बी को भी 36 यूनिट्स करने होते हैं, वो 18 डेज लगाता है करने को, यानी कि वो 2 यूनिट्स पर डे करता है। ए फास्ट है काम करने में, बी स्लो है, ये इसका मतलब हुआ अभी तक। अब ये दोनों बारी बारी काम करें, फर्स्ट डे ए ने काम किया, सेकेंड डे बी ने काम किया, फर्स्ट डे 3 यूनिट्स का काम कंप्लीट हो गया, सेकेंड डे 2 यूनिट्स का, फिर 3 यूनिट्स का, फिर 2 यूनिट्स का, एंड सो ऑन। यानी कि हम देखें तो अगर हम इसका एक फिक्स मल्टीपल बनाना चाहते हैं तो 2 डेज का, 2 डेज में हम देख सकते हैं कि 5 यूनिट्स का वर्क हो रहा है, अगले 2 डेज में भी 5 यूनिट्स हो रहे हैं, अगले 2 डेज में 5 यूनिट्स होंगे, इस तरह से। तो 2 डेज में 5 यूनिट्स होते हैं, हमें 36 यूनिट्स का काम कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि 5 5 5 ऐड करके हम 36 कैसे बना सकते हैं। तो 5 5 को ऐड करके तो 36 नहीं बनेगा, क्योंकि 5 के टेबल में 36 नहीं आता है, पर इससे जस्ट छोटा मल्टीपल 35 है, यानी कि 5 5 5 जोड़ के अगर हम 35 बनाना चाहते हैं तो 7 पेयर्स ऑफ डेज लग जाएंगे, यानी कि 7 टाइम्स दो 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 दिन करके काम जो है 35 यूनिट्स का हो जाएगा, अभी भी एक यूनिट बच जाएगा हमारे पास। तो यानी कि मैं इसको अगर शो करूं 35 यूनिट्स का काम 5 यूनिट्स के हिसाब से 7 बार में होगा, 7 बार का मतलब हो गया 7 बार 2 डेज, विच इज 14 डेज में ये काम जस्ट खत्म होने वाला होगा, खत्म नहीं होगा, बिकॉज टोटल वर्क 36 यूनिट्स का है, पूरा पूरे दिन करके ऐसे 14 डेज में 35 यूनिट्स का ये काम खत्म हुआ है, एक यूनिट का, यानी कि 36 माइनस 35, एक यूनिट का काम बच गया है। अब ये 14 डेज के बाद आएगा 15th डे, 15th डे में बारी आएगी ए की, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डे ए के लिए है, इवन नंबर ऑफ डे बी के लिए है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ। ए पूरे दिन में करता है 3 यूनिट्स, पर उसके पास सिर्फ एक ही यूनिट का काम बचा हुआ है, तो वो कितने दिन लगाएगा, 1/3 डे, यानी कि जस्ट अ पार्ट ऑफ द डे, पूरा दिन नहीं लगेगा उसको, एक फ्रैक्शन ही लगेगा। तो टोटल वर्क कितने दिनों में होएगा, 14 डेज पूरे और 1/3 डे और, यानी कि अगर इसको लिखना है हमने आंसर में तो 14 1/3 डेज, जो कि हमें ऑप्शन में दिख नहीं रहा है कि फ्रैक्शन है ही नहीं। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, ऐसी ऑप्शन आ जाए तो आप यहीं पे क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो, ये देखते ही कि पूरा काम होएगा नहीं और बचा हुआ काम फ्रैक्शन में होएगा, वन वर्क जो है वो 3 फ्रैक्शन में हो रहा है, तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, आप सीधा नन ऑफ दीज मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये क्वेश्चन होता है ऑल्टरनेट वाला, इसको हम एलसीएम मेथड से इस तरह से करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ भी आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं और इसकी कैलकुलेशन भी ईजी कर सकें। तो चलिए हम इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, आप हमारे चैनल पे दूसरे वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें आपको बहुत ही अच्छे शॉर्टकट्स मिलेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।